नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को सोर्बिलिन सिरप लेकर आए हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यह जो सिरप है केवल 200 ml का है। दोस्तों यह सिरप किन किन लोगों को सेवन करना है और कौन कौन सी समस्या में यह सिरप काम करता है, दोस्तों आज हम आप लोगों को इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या है तो आप यह सिरप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर आपको भूख नहीं लगती है या आलसपन की समस्या है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम आप लोगों को इसकी संपूर्ण जानकारी बताते हैं। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी नए वीडियो हम अपडेट करें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों इस सिरप के फायदे बताते हैं। दोस्तों अगर आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे व्यक्ति और महिला हैं जो बिल्कुल उन्हें भोजन पसंद नहीं होता है, क्योंकि अंदर से उन्हें भूख लगती है लेकिन उन्हें भोजन करने की कोई इच्छा ही नहीं लेती है, क्योंकि उन्हें भूख तो लगी रहती है परंतु उन्हें खाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसे हालत में अगर आप यह सिरप सेवन करते हैं तो आपकी जो भी भूख लगने की समस्या रहेगी ठीक, क्योंकि दोस्तों अगर आपके बार बार सिर में दर्द या उलझन की समस्या है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा सोचते रहते हैं और उन्हें आलस की समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसे हालत में आप भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह सिरप सेवन करना है तो आप अपने नज़दीकी मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको 200 ml का सिरप ख़रीदना है, यानी कि आपको यही सिरप ख़रीदना है। दोस्तों आप खरीद कर लेकर आएँ। अब आपको कैसे इसका सेवन करना है? दोस्तों आपको भोजन सबसे पहले करना है। दोस्तों भोजन के बाद आपको यह सिरप 5 ml लेना है, यानी कि आपको एक ढक्कन से ज़्यादा, कम से कम आपको 2 ढक्कन लेना है। दोस्तों आपको 5 ml सिरप लेना है और आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोस्तों अगर नियमित रूप से आप 15 दिन इसका सेवन करते हैं तो आपके जो भी समस्या रहेगी जैसे आलसपन, भूख ना लगना, दोस्तों ये सारी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके पेट में एसिडिटी, गैस की समस्या है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आपके पेट की जो भी समस्या रहेगी लीवर संबंधित वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर बच्चों को पिलाना है, जैसे छोटे बच्चों को अगर भूख नहीं लगती है तो यह सिरप आपके मार्केट में 100 ml का उपलब्ध है। तो दोस्तों आप मार्केट से खरीद कर 100 ml का सिरप खरीद लाएँ और वह सिरप केवल बच्चों के लिए, जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए वह सिरप खरीदने 100 ml का और उन्हें खरीद कर बच्चों को पिलाएं भोजन के बाद। दोस्तों अगर बच्चों को भूख नहीं लगती है या सेहत नहीं बनती है तो आप इनका सेवन आसानी से करा सकते हैं। दोस्तों बच्चों को भूख लगने लगेगी और खुलकर वे भोजन करने लगेंगे। दोस्तों जो भी बच्चों के पेट में प्रॉब्लम रहेगी वह भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे का जो लीवर डैमेज होता है और बार बार उन्हें प्रॉब्लम होती है वह भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका लीवर ठीक हो जाएगा, भोजन अच्छी तरह से पचने लगेगा। तो दोस्तों वह बच्चे जो हैं मोटा होने लगेंगे, क्योंकि भोजन करने के बाद ही बच्चे के शरीर में लगता है। दोस्तों अगर जो भी बच्चे या व्यक्ति भोजन नहीं करेंगे तो कहाँ से मोटा होंगे और कहाँ से उनका शरीर सेहत बनेगा। तो दोस्तों ऐसे हालत में आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को
अपने दोस्तों और मित्रों के फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों अगर इनके रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब तुरंत देंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।